देखो बच्चों, है ना, तो ए मिनट वाला निकला है, सेकंड वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, बी। तो देखो हम इसको करते हैं बी पोर्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ए वाला पोर्शन देख लें हम। इस पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें कितना मिला था, 1.3 टेन इनवर्स 3 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। अब इस मिनट को किस में ले जाना है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई करो इसे, अभी रेट, और फिर किससे फर्दर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, करो इसको सीधे, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मोल पर लीटर, या चलो और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, चलो हटाओ, ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं और सिंपल कर देते, माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। इसको जो हमें कंसंट्रेशन दिया था वो दिया था, फाइनल आया था हमारा 2.08 और इनिशियल कितना था, 2.33, तो ए कितना आया था हमारा 0.25, और किसका आया था, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे समय कितना रखा था, 184 मिनट, और इस मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दें, 60 से डिवाइड कर दिया। इतने का सल्यूशन तो हमें पहले से पता, कितना आया था, 1.3 टेन इनवर्स 3, उसको 60 से और डिवाइड कर दो, तो इतने का सल्यूशन हमें पहले से पता। अपना अपना दिमाग लगा सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं कि हमारे दिमाग से करो, 1.3 टेन इनवर्स 3 60 से डिवाइड कर दो, अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आएगी, अभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको बाद में कर रहे हैं ना, तो 0 और ऊपर पहुंचा दो तो वो हो जाएगा 10 इनवर्स 4, ये 0 को ऊपर पहुंचा दो, अब 6 से कर दो 1.3 को डिवाइड, चाहे 2 0 पहुंचा दो, ये डेसिमल को भी हटा दो, ए लो, तो 1 0 और आ गया, 2 0, तो ये हो गया 10 इनवर्स 5। अब बचा 13 डिवाइडेड बाई 6, 6 टू जा 12, बचा 1, तो 2.11, और फिर कितना बचा आपका 4, तो 6 जा 30, 2.16, और अब यूनिट क्या आ गई, चेक करो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आई, ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जे आई है सेकेंड में, अब इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से, पूरे को 2 से डिवाइड करो, पूरे को 2 से, पूरे को 2 से, ले आओ आंसर बच्चों, अपना अपना कर सकते हो ना, ये तो मैथ है, हम इसको 50 तरीके से कर सकते हैं, हाँ तो वही है, हाँ ठीक है, अब मैथ वाले बच्चे और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका और तेज दिमाग चल रहा होगा कि अरे इतना सारा क्या करना, वहीं से कर लो ना, लेकिन हमें सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। टू वन जा टू, फिर आपका 16, टू एट जा 16, टेन इनवर्स 5, मोल पर लीटर पर, अब आवर में निकाल के दिखाओ आप लोग,
ये आ गया हमारा बी पोर्शन। आ गए टेन बस मिनट वाले पोर्शन को उठाओ, है ना, ए मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी किस में आ जाए। हाँ, इस पूरे पोर्शन को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट नीचे चला जाएगा ना, और मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में चला जाएगा, आवर में। कर लो अपने अपने दिमाग लगा के। या बच्चों इतना मुश्किल लगे ना तो वो वहाँ पर कर लेना, जो 144 मिनट को उसको एक बार 60 से मल्टीप्लाई करके 60 सेकेंड में कर लेना, और एक बार 60 डिवाइड कर ऐसे सॉल्व कर लेना। अच्छा, जो ए वाली हमने बी वाली निकाली, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहीं से, है ना, इसी को हम 60 से डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल जाता, ये वाला आंसर 1.08 10^5। डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो तो डिटेल में इसलिए गए कि आपको समझ में आ जाए कि 184 था, फिर इसको सेकेंड में ले गए। मिनट में आ गई, सेकंड में आ गई, अब आवर में निकाल दो। इसे डायरेक्ट निकाल दो इस वाले से, ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट ही निकाल लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उस समय तो बहुत लंबा हो जाता है। 0.65 inverse 3 मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट को किस में डिवाइड करना है, आवर में, किससे डिवाइड कर दें, ये आ गया आपका 60। एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो इनवर्स 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो 65 पे, 65 जा 30 फॉरवर्ड 3, 66 जा 36 और 3 39, दो के बाद डेसी मिले तो दो के बाद डेसी मिल लगा दो, 3.9 मोल पर लीटर पर आवर। ये आ गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकाली बच्चों। आप लोग घर में जाके क्या करना, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना और सिंपल तरीके से, है ना, ये बहुत ज़्यादा इसको अपन ने सरल सा क्वेश्चन था, बहुत कठिन कैलकुलेशन कर दिया इसका, तो घर में जाके आप इसके अच्छे सिंपल वाले नोट्स बना लेना अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी तो ठीक है, फिर बाद में करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ कुछ बोल, हाँ हाँ उसकी एक ही निकाली, उसमें नहीं, उसमें एक ही निकाल, दो मिनट वाली, ठीक है, या सेकेंड वाली, हमें एग्जाम में मिनट पे दिया था तो हमने मिनट में निकाल दी, कोई एक निकाल दो उसकी से, यहाँ तक देख लो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो और कर लें इसका सॉल्व। बच्चों ये इसका सेकंड लेवल था, मैं इसके ये दो ही लेवल होते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया था 2N2O5 कैन टू फॉर्म 2NO2 प्लस O2।
इसके हमें ख़त्म होने की रेट नहीं बताई थी, लेकिन ये कैसे ख़त्म हो रहा है और कितने मिनट में ख़त्म हो रहा है वो बताया था, तो उससे हमने इसके ख़त्म होने की रेट निकाल ली। एक बार टाइम को मिनट में ले लिया, एक बार सेकंड में, एक बार आवर में, और फिर इसी के 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गई? रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमसे क्या पूछा है इसके बनने की, यहाँ पर इसके क्या पूछी है, इसके बनने की रेट। अब वो किसी के भी बनने की रेट पूछ ले, चाहे इसके, तो भी हम बता देंगे। तो देखिए हमारे पास है, अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन किस, इसको रख ले रहे हैं पॉजिटिव करके, प्लस डेल्टा NO2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई, कोई एक रख लो, चाहे मिनट वाली ले लो, चाहे आवर वाली ले लो, चाहे सेकंड वाली ले लो, कोई एक रेट ले लो, ठीक है। क्योंकि मेन क्वेश्चन में हमें मिनट में दिया हुआ था 184, तो हम इसकी मिनट वाली ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो बच्चों, इसको 3 बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एवरेज रेट को कहा था 3 बार, तो मिनट वाला कितना आया था, 0.6 5 10 3 है ना, मोल पर लीटर पर मिनट, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो हमें मिल जाएगा प्लस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। ये आ गया हमारा आंसर। फोर फाइव जा 0 फॉरवर्ड 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 के बाद डेसिमल ले, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 2.6 10 3। ये आ गई हमारे इसके फॉर्मेशन की रेट, डेल्टा डी सॉरी डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा। बच्चों घर में जाके बड़े आराम से इनको एक बार सॉल्व कर लेना। हाँ क्यों नहीं लिख सकते, वो तो हट जाएगा ना नीचे डिवाइड कर, ऑटोमेटिक हट जाए। जैसे कहीं लिखा है 0.100, इसका मतलब 0.1 ही है, मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गई इसके, बच्चों एक चीज़ नहीं पूछी इनने, लेकिन इतना एहसान क्यों किया उनने, वो हम अपने मन से, इसके फॉर्मेशन के भी आप लोग निकाल दो, उनने पूछी नहीं है लेकिन निकाल दो, जितनी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उतनी, क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी आ रही है, इसीलिए नहीं पूछी थी उनने, चालाकी है ना। आप समझ में आया क्यों नहीं पूछी उनने, थोड़ा बच्चों कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, भूलेगा ये, घर में जाके अच्छे से कर लेना। हाँ कहाँ इनवर्स आएगा, मिनट इनवर्स आएगा, यहाँ भी इनवर्स आएगा, नया नहीं आया समझे, आ गए, लेकिन घर में जाके रिवाइज करना, भूल जाएंगे नहीं तो, ये थोड़े से टिपिकल टाइप्स के हैं वो, अभी तो और थोड़ा सा और भी देंगे। चलो उसके फॉर्मेशन की भी निकाली दो, आई गई है बाई डिफ़ॉल्ट, है ना। तो तीसरा पार्ट इन्हें नहीं पूछा था, वो हम खुद निकाल देते हैं, है ना, ए वाली। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल पॉजिटिव डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1, तो हमारी आ गई डेल्टा ओ टू पॉजिटिव करके डेल्टा टी करके, और मिनट वाली कर देते हैं, कितनी थी 0.6 5 6 7 थी ना मिनट वाली, 0.6 5 10 3 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कल करेंगे, है ना, लेकिन जाने से पहले एक बार इसको जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो जल्दी से,
क्योंकि घर में जाके तो तुम लोगों को अभी सोना भी तो है, सुबह की नींद कहाँ पूरी हुई होगी, बड़ी मुश्किल से तो आते हो उठकर। अच्छा यहाँ ऐसा कौन है जो 6 बजने में 10 मिनट पहले उठता है और भागता है? कोई तो होगा, होंगे कुछ तो होंगे जो 10 मिनट पहले उठते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 5:30 पे उठते होंगे, फिर थोड़ा 5 मिनट और, 5 मिनट और। बच्चों पूरे साल आप लोग 6 बजे आओगे ना, एक कमाल का हैबिट आ जाएगी आपके अंदर, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप में डेवलप हो रही है सुबह उठने की हैबिट, है ना। आप लोग स्वयं कोशिश करते तो नहीं करते, लेकिन अब हम हैं तो आपको पता ही है सर हैं, तो आप लोग को आना ही पड़ता है, शिक्षा की कटाई।